गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करेंगे। संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। इतना मेहनत करिए कि इस आग को बुझने मत दीजिए। जब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं और सक्सेस को अपने पास लाकर रहेंगे। चलिए अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज को स्टार्ट करते हैं। 29 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच सिटी वॉज द 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस हेल्ड। 13वां इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन हो चुका है, ठीक है। देखिए, भारतीय सेना द्वारा सह मेजबान के रूप में अमेरिकी सेना के साथ आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम IPACC, IPAMS और सेल्फ 2023 नई दिल्ली में समापन हुआ है। देखिए, IPACC का फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस और IPAMS का फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक आर्मी मैनेजमेंट सेमिनार। सेल्फ 2023 का फुल फॉर्म है सीनियर एनलिस्टेड लीडर्स फॉर्म कल्मिनेटेड। तो हमारे भारतीय सेना द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। क्या इसमें कौन कौन शामिल थे? तो अमेरिकी सेना शामिल थे। इनके साथ आयोजित किया गया 3 दिवसीय कार्यक्रम IPACC के अकॉर्डिंग, IPAMS और सेल 2023 में जो नई दिल्ली में समापन इसका हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान 30 देशों की भागीदारी देखी गई, जिसमें 18 देशों का प्रतिनिधित्व उनकी सेनाओं के प्रमुख द्वारा किया गया और 12 देशों का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम ने प्रतिनिधियों को भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित मुख्य प्रयासों के साथ साथ सुरक्षा और आपसी हित के अन्य समसामयिक मुद्दों पर विचारों और विचार का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ शुरू गई है? वेयर विल चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी एंटरप्रेनर स्कीम बी स्टार्टेड। कहाँ पे हाल ही में सीएम माइनॉरिटी एंटरप्रेनरशिप स्कीम को लागू किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के सीएम एंटरप्रेनर स्कीम को लॉन्च किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि वो अपना इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके। किसको मिली है? तो वैसे लोग जो अल्पसंख्यक में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम लागू किया गया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कि 28 सितंबर को हर साल वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड रेबीज डे के दौरान क्या होता है कि इस विश्व रेबीज दिवस रेबीज की रोकथाम और इस भयानक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में हो रही प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे लोगों को अवेयर किया जाता है कि आपको रेबीज से बचाया जा सके। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, बस इसका एक वैक्सीन ही है जो आपको सेफ रखेगी। अगर कोई कुत्ता आपको काट लेता है तो आपको रेबीज की बीमारी हो जाती है जब तक आप इंजेक्शन नहीं ले लेते हैं रेबीज का। इसमें क्या होता है कि आपको हाइड्रोफोबिया की भी बीमारी हो जाती है, जिसका मतलब है कि आपको पानी से डर लगने लगता है और ये बीमारी बहुत खतरनाक है। जब आपको पानी से डर लगेगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पानी ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। वाटर इज मोर एसेंशियल पार्ट इन आवर लाइफ। देखिए, लुईस पाश्चर के द्वारा ये एक फ्रांसीसी रासायनिक थे जिन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे जिन्होंने रेबीज के खिलाफ पहला टीका विकसित किया। इन्होंने बस वैक्सीन जारी किए हैं कि मतलब इस वैक्सीन को अगर लगा लेते हैं रेबीज काटने के बाद तो आप सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन इनका पूरी तरीके से इलाज नहीं है। जब आपको अगर एक बार रेबीज बीमारी फैल जाती है तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है रेबीज, तो इससे सावधान रहिए। इसलिए इस वर्ल्ड रेबीज डे को 28 सितंबर 2023 को अवेयरनेस के रूप में मनाया गया ताकि लोग इससे जागरूक हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में अफ्सपा AFSPA की समय सीमा कहाँ बढ़ा दी है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। देखिये, AFSPA का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट।
इसमें क्या होगा हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसमें केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA आफ्सपा एक्ट को लागू किया है, जिसमें सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया है। इस एक्ट में क्या होगा चलिए देखिए जानते हैं। आफ्सपा एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इम्पावर्स द आर्म्ड फोर्सेस एंड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस डेवलप करेंगे डिस्टर्ब एरिया, जहां पे एरिया डिप्लॉयड जिस एरिया में विवाद फैली हुई है उस एरिया के लिए हम लोग आफ्सपा एक्ट को लागू करते हैं। इसमें देखिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम सशस्त्र बलों और अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाला किसी भी व्यक्ति को मारने, बिना वारंट के किसी भी परिसर को गिरफ्तार करने और तलाशी लेने और उन्हें अभियोजना और कानून सुरक्षा से बचाने का अधिकार देती है। यानी कि नो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आप किसी को इनकाउंटर कर सकते हैं अगर उस पर आपको शक होगा तो। इसमें आर्म इसमें पुलिसों को आर्म पुलिसों को नहीं आर्मियों को फुल पावर दिया जाता है इस एक्ट में, इसलिए इसका नाम आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड मैरिटाइम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसको विश्व समुद्री दिवस नहीं कहिएगा क्योंकि बहुत ऐसे नाम होते हैं जैसे ओशियन भी होते हैं उसको भी समुद्र के नाम से जानते हैं, इसलिए इंग्लिश में आपको इसको याद रखिएगा कि वर्ल्ड मैरिटाइम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर कब मनाया जाता है, तो इसको भी 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 28 सितंबर को दो आप पढ़े हैं, एक है वर्ल्ड मैरिटाइम डे जो अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे और एक है वर्ल्ड रैबिस डे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र उद्योगी श्रमिकों के अथक परिश्रम का सम्मान करने के लिए प्रत्येक सितंबर के आखिरी गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस साल यह दिन 28 सितंबर को मनाया जाएगा। इस साल हमारा जो आखिरी गुरुवार पड़ रहा है ये 28 सितंबर को पड़ रहा है, तो इसलिए वर्ल्ड मैरिटाइम डे को सेलिब्रेट 28 सितंबर को किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय संस्करण इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? Who has recently launched the Indian version of Play Store Indus App Store? Indus App Store को किसने लॉन्च किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा फोन पे ने लॉन्च किया है इस इंडस एप्लीकेशन को। देखिए इसमें भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वॉलमार्ट समर्थित फिनटेक कंपनी ने फोन पे ने गूगल के प्ले स्टोर एकाधिकारी को चुनौती देने के लिए इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म नाम से अपना ऐप स्टोर लॉन्च किया है। यानी कि एक तो गूगल प्ले था ही, आईफोन वालों के लिए एप्पल प्ले स्टोर था और इस फोन पे ने एक अपना ही प्ले स्टोर बनाया है जिसका नाम इंडस ऐप स्टोर दिया गया है। इसको टक्कर देगा तो गूगल प्ले को टक्कर देने के लिए, चुनौती देने के लिए इंडस ऐप स्टोर ने अपना डेवलपर प्लेटफॉर्म को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में अक्सर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में कौन सी फिल्म भारत की प्रतिनिधित्व करेगी? Who which film represent India in the best foreign language film category at Oscars 2024 recently? 2024 में best foreign language film category में किसको Oscars मिला है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 2018 के Everyone is a Hero को awarded किया गया है। तो ये कौन सी मूवी है इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इस फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ने सुपर हिट मलयालम फिल्म को 2018 Everything is a Hero की घोषणा की है। यानी कि इस फिल्म फेडरेशन के द्वारा इंडिया ने अनाउंस किया है ये जो सुपरहिट फिल्म मलयालम फिल्म है 2018 एवरीवन इज अ हीरो इसको अवार्डेड दिया जाएगा, इसको पुरस्कारित किया जाएगी। इसके डायरेक्टर कौन है? तो जूड एंथोनी जोसेफ एंड स्टीयरिंग कौन है? टोबिनो थॉमस। स्टोरी किस पर आधारित है? तो केरला फ्लड यानी कि जो केरला में बाढ़ आई थी उससे रिलेटेड इसको बनाया गया था। इसका नॉमिनेशन डेट किसके द्वारा किया गया है? तो एकेडमी अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड्स से इन 2024 में फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में इसको सम्मानित किया जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द 15th मीटर राइफल 3P इंडिविजुअल इवेंट इन द 19th एशियन गेम? 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा शिफात कौर शम्र के द्वारा 50 मीटर में गोल्ड मेडल जीती है। अब तक 19th एशियन गेम में कितने मेडल जीत चुके हैं? टोटल 4 मेडल जीत चुके हैं 19th एशियन गेम में, अब तक 4 मेडल जीत चुकी हैं। देखिए पहला मेडल किसमें गोल्ड जो गोल्ड मेडल जीती थी वो क्या था? वो शूटिंग के रेंज में था। दूसरा क्रिकेट के में जिसने श्रीलंका को हराया था।
तीसरा आपका ये भी शूटिंग, ये हॉर्स राइडिंग के क्षेत्र में था, हॉर्स राइडिंग जो 41 साल के बाद हुआ था, 41 साल के बाद, 41 साल के बाद ये हॉर्स राइडिंग को गोल्ड मेडल मिला था। और ये जो चौथा है ये 50 मीटर एयर राइफल में, 50 मीटर एयर राइफल में इनको सम्मानित किया गया, किनको, तो सिपात कौर शब्र को। चारों आपको बता दिए हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट रखेगा। 19th एशिया, जो एशिया गेम होगा 19वां एशिया गेम हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, तो चाइना के होंगजाओ में, चाइना के होंगजाओ में हो रहे हैं। ठीक है, सिफ्ट कौर शब्र ने इंडिया में पहली बार इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीती है 2023 में। चीन के होंगजाओ में चल रहे एशिया खेलों में शूटिंग में महिलाओं की 50 मीटर राइफल सीपी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की सिफत कौर शब्र ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीती है ये। डेली करंट अफेयर्स का ये आखिरी क्वेश्चन है, हु विल लॉन्च ऑल इन वन अफोर्डेबल इंश्योरेंस कवर बीमा विस्तार, ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन लॉन्च करेगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। ठीक है, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बीमा विस्तार लॉन्च करेगा, जिसमें भारत के हर कोने तक बीमा कवरेज बढ़ाने का महत्व को पहचानते हुए इस पर वर्क किया जाएगा। किसके द्वारा होगा? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के द्वारा। जितने भी लोग हैं जो बीमा नहीं कराए हैं, तो इस बीमा विस्तार, इसका नाम दिया गया है कि दुनिया के हर एक कोने पे, इंडिया के हर एक कोने पे इसका विस्तार होगा और हर एक लोगों को बीमा कवरेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए हम रिवीजन बैच स्टार्ट करते हैं 28 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर जो रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का विकास किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा IOCL ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर टू में, 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वहीदा रहमान को सम्मानित किया जाएगा। 52nd क्या था? 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड आशा पारेख जी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं, पांचवे विश्व कॉफी सम्मेलन वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, इंदौर को क्लीन सिटी का भी अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलते हैं, हाल ही में भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा INS सह्याद्री, ये इंडिया का नेवी शिप है जो पार्टिसिपेट किए हैं 3 दिवसीय में, जिसमें भारत, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों पक्ष शामिल है। क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अमित खारे, अमित खारे को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर एट में, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह, ये एक होम मिनिस्टर है हमारे भारत देश के। क्वेश्चन नंबर नाइन में चलते हैं, हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ को जापान कंपनी यूनिक्लो के द्वारा भारत का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 19वें एशिया खेलों में भारत ने 41 साल बाद किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉर्स राइडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जस्ट चार पदक जीते हैं, चार पदक अब तक जीत चुके हैं, चार मेडल अब तक जीत चुके हैं हमारे, वो भी कौन सा? तो गोल्ड मेडल, आपको गोल्ड मेडल इंपॉर्टेंट रखना होगा। हमने आपको बताया कि पहला, फिर से बता देता हूँ, पहला शूटिंग के क्षेत्र में जो 10 मीटर एयर राइफल था, दूसरा आपका क्रिकेट में है जो श्रीलंका के खिलाफ हराकर, श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड मेडल जीती है, थर्ड आपका हो जाएगा ये हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग 41 साल बाद जीता गया है, और फोर्थ हो जाएगा आपका अभी 50 मीटर एयर राइफल, एयर राइफल के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि मंगल पांडे वॉज अ सिपोई एट, मंगल पांडे कहाँ सिपाही थे? आपको राइट आंसर, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। इस डेली करंट अफेयर्स को सुनने के लिए थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम इसी तरीके से मोटिवेट हो सके और आपके कंटेंट को और बेहतर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, थैंक यू सो मच।